हाय फ्रेंड्स, मम्मा ढाबा में आपका एक बार फिर से नमस्कार। आज मैं लेकर के आई हूँ हेल्दी ओट्स शेक और ये रोल्ड ओट्स शेक बनाने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करें। और अगर आप हेल्थ मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं तो ये ड्रिंक आपके लिए जरूर उपयोगी साबित होगी। जो भी इन्ग्रीडियंट्स हम इसमें यूज कर रहे हैं वो रिच इन फाइबर एंड रिच इन प्रोटीन है। सो काइंडली वॉच माई वीडियो टिल एंड। तो हेल्दी ओट शेक बनाने के लिए ये मैंने टी स्पून से 3 टी स्पून ओट्स लिया है, रोल्ड ओट्स, और इसको मैंने पानी में भिगो दिया था करीबन 15 मिनट के लिए और उसको बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। तो आप रोल्ड ओट्स ही ले, ये रिच इन फाइबर होता है, हाईली प्रोटीन है, रिच इन फाइबर है, हेल्थ मैनेजमेंट के लिए बहुत ही गुड है, तो आप रोल्ड ओट्स ही लें। इसके बाद मैंने लिया है ये करीबन 3 से 4 टेबल स्पून के आसपास दही लिया है। इसके बाद मैंने लिया है इसके अंदर 5 बादाम जिसको मैंने भिगो कर पील कर लिया है, 2-3 टुकड़े काजू के जिसको मैंने भिगो के रखा था 10 मिनट, किशमिश 10-12 किशमिश भिगो लिया है क्योंकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए, तो 1 मैंने डेट्स लिया है, इसको भी मैंने भिगो दिया था। और इसको आप क्या करें, इसके बीज जो हैं वो आप निकाल लें। तो ये जो शेक मैं बनाने जा रही हूँ ये शुगर फ्री शेक बनाने जा रही हूँ, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है और ये वेल्थ मैनेजमेंट वाला हमारा ड्रिंक तैयार होने वाला है। इसके साथ मैं ले रही हूँ 1/2 टी स्पून जो है वो पम्पकिन सीड, ये पम्पकिन सीड है, और 1/2 टी स्पून मैं ले रही हूँ सनफ्लावर सीड। तो ये बहुत ही अच्छा होता है, रिच इन फाइबर है, और 1 स्पून मैं ले रही हूँ फ्लैक्स सीड। ये सारा हम ग्राइंड करेंगे। तो आइए चलते हैं मिक्सी की तरफ। तो ये बिल्कुल तैयार है हमारा ओट शेक, काफी हेल्दी है और आपका जो स्टोमक है वो काफी लंबे समय तक फुल रहेगा और काफ़ी अच्छा हेल्थ मैनेजमेंट ड्रिंक है ये। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको ये। शुगर बिल्कुल यूज़ नहीं करें अगर आप हेल्थ मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं और अगर आप डायबिटिक हैं तो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।